Students, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. बच्चों, मैंने अपने क्लास में कुछ बच्चों से कहा कि कौन किस तरह की हंसी हंसते हो, जरा हमें सुना। तो कई सारे बच्चे थे उसमें, सबने अलग अलग हंसी हंसी। किसी ने ही 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 कर कि कोई हा 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 करके हंस रहा है, कोई पेट पकड़ करके हंस रहा है, कोई माथा पकड़ कर हंस रहा है। तो अलग अलग हंसी, कहीं रावण की हंसी आ रही थी तो कहीं कंस की हंसी आ रही थी। एक बच्चा था विशाल, वो एक हंसी हंस रहा था वो इस तरह की हंसी हंस रहा था। मैंने कहा विशाल इधर आओ, बस आज तुम्हारी ही पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग। तो बच्चा वो विशाल बड़ा गदगद हो गया। मैंने कहा अब बैठ जाओ, आज हम लोग जानने वाले हैं। ये जो उसने कहा ना हा, उसने कहा नहीं, वो जो हंसा आज, वही हा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और हिंदी के स्वर की बहुत सारी मात्राएं आप लोग जान चुके हैं, और एक आज नई मात्रा जो है वो अह की मात्रा, अह की मात्रा है जिसकी आवाज़, जिसकी ध्वनि आती है ह की तरह। यह मात्रा मुख्य रूप से संस्कृत में प्रयोग होती है। बच्चों जैसा कि तुम जानते हो, हिंदी तुम्हारी आई है संस्कृत भाषा से, और संस्कृत के कुछ शब्द को हूबहू जब इसमें लिया गया है तो उसमें भी अह की मात्रा लगती है। तो अह की मात्रा मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों में लगती है। तो अब इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों, जब किसी की छाती में, जब किसी की छाती में आगे में दो टीका लगा दें, हम दो टीका ऐसे दो टीका लगा दें, तो वहाँ जो आकृति बनती है वह है अह की मात्रा। या फिर जब हम लोग कॉलर वाला टी शर्ट पहनते हैं, कॉलर वाला टी शर्ट पहनते हैं, तो यहाँ पे दो बटन होता है, यहाँ पे दो बटन होता है। तो ये आगे में दो बटन, आगे में दो बटन, आगे में दो गुल्लियाँ रखी होती हैं, इस तरह की जो आकृति है वह है अह की मात्रा, अह की मात्रा। तो आज इसी अह की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द के बारे में हम लोग आज सीखते हैं, और घर से भी ऐसे ही कुछ शब्द, पांच शब्द ऐसे सोच करके लिख करके हमको बताना है, ठीक है। देखो एक शब्द है दुख, दु और बीच में है अह की मात्रा और ख, तो बीच में ह आएगा हल्का सा, दुख दुख, ठीक है। दूसरा है दुख मतलब कष्ट होता है, प्रातः प्रातः, त के बाद अह है, ह के जैसा उच्चारण होगा तो प्रातः मतलब सुबह, ओके। सरह, सरह मतलब होता है तालाब। नमः, नमः मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। सह, संस्कृत का शब्द है, सह मतलब होता है वह, सह मतलब वह। अतः, अतः मतलब इसलिए। फलतः, फलतः मतलब परिणाम स्वरूप, परिणाम के बाद क्या हुआ परिणाम। कह, कह मतलब कौन, कह मतलब कौन। प्रायः, प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा। मैं यहाँ लिखूँ बकह, बकह मतलब बगुला, बकह मतलब बगुला। तो बच्चों ये थे कुछ अह से बनने वाले, अह लग कर बनने वाले कुछ शब्द। ऐसे ही पांच शब्द तुम लोग किताबों से चलो ढूंढो, किताब को खोलो और उसमें जिसमें जिस शब्द के आगे में किसी भी अक्षर में आगे में दो ठो टीका लगा हो, दो बटन लगा हो, वैसे शब्दों को चुनो। अब जब किताब से चुनोगे तो हो सकता है ज़्यादा भी तुम लोग खोज के निकाल सको, तो चलो कम से कम पांच निकाल करके हमें बताओ, ओके। तो इसे मैसेज के थ्रू मेरे पास भेजो, मैं उसको देखूँगा और फिर उसको चेक करूँगा, ओके। थैंक यू।